हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल चीजें डिस्कस करी थी, हम लोगों ने बेंडिंग ऑफ बीम्स के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेंडिंग क्या होती है, कैसे होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल प्लेन, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग किस एक्सिस के अबाउट लेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। ओके, सो मॉड्यूल 4 हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। आज मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें बताऊंगा, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेते हैं, ठीक है, ये सब चीजें बताऊंगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एज पर दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताऊंगा। देन हम लोग जाएंगे आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज दी थ्योरी ऑफ बेंडिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज बेंडिंग इक्वेशन। प्योर बेंडिंग क्या होता है, सभी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक के देखना है ताकि आपको हर एक चीजें एक प्रॉपर मैनर में क्लियर हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन को समझने के लिए आपको सेंट्रॉइड के बारे में एक आइडिया होना चाहिए, सेंट्रॉइड क्या होता है। ओके, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सेंट्रॉइड के बारे में एक अच्छा कांसेप्ट दिया जाए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेंट्रॉइड, देन हम लोग उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ेंगे। ओके, सो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज द एरिया सेंटर और सेंटर ऑफ द एरिया। ओके, एरिया सेंटर, एरिया सेंटर, और यू कैन से सेंटर ऑफ द एरिया इज नथिंग बट अ जियोमेट्रिक सेंटर। ये कैसा है, ये जियोमेट्रिक सेंटर है, जैसे कि सर्कल का आप एक सेंटर देख सकते हो, वो सेंटर कैसा है, वो जियोमेट्रिक सेंटर है। ओके, जियोमेट्रिक सेंटर, ओके, ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, और क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सेंटर है, दैट्स व्हाई वी कैन अज्यूम दैट इंटायर एरिया इज कंसेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। ओके, इंटायर एरिया इज कंसेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। ओके, तो ये सेंट्रॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सेंट्रॉइड ऐसा होता है। अब सेंट्रॉइड को फाइंड आउट कैसे किया जाता है कि किसी भी सरफेस का, किसी भी प्लेन का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इसको कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ मैथमेटिकल टर्म्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। ओके, तो मोमेंट जब हम लोग निकालते हैं, किसी भी चीज का निकालते हैं, जैसे कि फोर्स को देखें, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स फोर्स के परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मोमेंट। ओके, तो फोर्स की जगह आप लोग लगा दीजिए एरिया, सो एरिया इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट और एन एक्सिस विल बी द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक एरिया कंसिडर करता हूं लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इसको किसी प्लेन में कंसीडर करता हूं, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, सो दिस इज एरिया। नाउ इसको मैं नंबर ऑफ स्मॉल एरिया से मिलकर के बना हुआ मान सकता हूं, ठीक है, बहुत सारे इसको एलिमेंटल एरिया से मिलकर के बना हुआ मान सकता हूं। तो मैं यहां पर कोई एलिमेंटल एरिया ले लेता हूं लाइक दिस, ओके, दिस इज डी ए, एलिमेंटल एरिया डी ए, ठीक है। ओके, नाउ इस एलिमेंटल एरिया का मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेता हूं, दिस इज वाई, ओके, दिस इज वाई। नाउ द एरिया डी ए एंड इट व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस वाई इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ दिस एलिमेंटल एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस। दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एलिमेंटल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बाउंड इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। नाउ अब सेंट्रॉइड को डिफाइन किया जाता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया के बेसिस पे, ठीक है, सेंट्रॉइड को डिफाइन किया जाता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया के बेसिस पे, और इस फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया के बेसिस पे हम लोग सेंट्रॉइडल एक्सिस को भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ ये रहा एरिया और ये एक्सिस है एक्स वाई एक्सिस। नाउ दिस इज नॉट द सेंट्रॉइड एक्सिस बिकॉज इस पर्टिकुलर एक्सिस का जो ओरिजिन है, यू कैन नॉट सी द ओरिजिन इज देयर इन द एरिया, एरिया में ये ओरिजिन नहीं, एरिया के बाहर ओरिजिन है, और सेंटर जो होगा एरिया का दैट विल बी इनसाइड द सरफेस। ओके, सो दिस इज नॉट द सेंट्रल एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग रिफरेंस एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, रिफरेंस एक्सिस है। रिफरेंस एक्सिस के हेल्प से हम लोग लोकेट करते हैं, इसके बेस पे हम लोग लोकेट करेंगे कि कहां पर आप लोगों का सेंट्रॉइड होगा और सेंट्रॉइडल एक्सिस होंगे। सेंट्रॉइड पॉइंट से
जो एक्सिस गुजरेंगे उसको सेंट्रोइडल एक्सिस बोलेंगे. ओके, नोट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, दैट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड इज नोन एज सेंट्रोइडल एक्सिस. ओके, आप ऐसा एक नोट बना सकते हो, मैंने भी यहां पर आप लोग के लिए एक नोट बना दी. ठीक है, तो मुझे सेंट्रोइड पॉइंट लोकेट करना है. तो मान लीजिए कि यहां कहीं पर होगा सेंट्रोइड. अभी ये तो अगर मान लीजिए ये सेंट्रोइड है, तो इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा और कैसे प्रूफ करूंगा कि सी ही सेंट्रोइड है. इफ सी इज सेंट्रोइड, इफ सी इज सेंट्रोइड, तो क्या होगा, सी के अबाउट, सी के अबाउट, और सी से, या फिर आप कह सकते हैं सी से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट, लाइक दिस, दिस इज द प्लेन ऑफ एरिया ए. ओके, और ये रहा पॉइंट सी. पॉइंट सी पे बना दिया मैंने दो एक्सिस, और ये एक्सिस कैसे हैं, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है. आप इसको एक्स टेस्ट वाई टेस्ट बोल सकते हैं. क्या है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है क्योंकि ये सेंट्रोइड से पास हो रहे हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस. ओके, सो अगर सी सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइडल एक्सिस जो होंगे, जो कि सी से गुजरेंगे, इसके अबाउट, इसके अबाउट जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है ऑफ द प्लेन, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. ओके, सो अगर ऐसा है, तो अगर पॉइंट सी जो है, इफ दिस इज सेंट्रोइड, इफ सी इज सेंट्रोइड ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन, देन द सम, और यू कैन से द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द एरिया, फर्स्ट मोमेंट of the area about centroidal axis will be zero. ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको देखिए. तो यहां पर मैं number of areas ले सकता हूं जो कि इस तरफ है centroidal axis के, इस x axis के उस तरफ है. ठीक है, और कुछ जो है वो सेंट्रोइडल वाई एक्सिस के उस तरफ है. ठीक है, तो ये आप लोगों का सेंट्रोइडल वाई एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड. ओके, क्लियर. तो मैं क्या करूंगा, पहले देखूंगा कि सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस कहाँ है. ठीक है, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस कहाँ है, कैसे देखूंगा. अगर सी से गुजरने वाली एक्सिस सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है, तो यहां पर होगा द मोमेंट, द फर्स्ट मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स 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 डैश एक्स डैश एक्सिस विल बी जीरो. अब एरिया का मोमेंट फाइंड करूं तो करूं कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल इसमें एक एलिमेंट ले लिया लाइक दिस. ठीक है, दिस इज वाई. नाउ एन इंफाइनाइटली स्मॉल और वेरी, इफ एरिया इज स्मॉल, यू कैन से एक फाइनाइट एरिया, बट इफ इट इज वेरी स्मॉल, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब इसमें कई बार कई लोगों को मिसकंसेप्शन होगा कि एरिया कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के भी अपने लेक्चर में एक दो बार क्लियर किया है कि एरिया आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है, आप लोग अगर आप एक प्लेन लेते हो, एक्स वाई प्लेन, और इसमें आप किसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, तो आप इसको एरिया को आप देखते हो, ये है आप लोगों का ए आई कैप एंड दिस इज बी जे कैप. ओके, तो ये होता है आपका ए आई कैप. ओके, क्रॉस बी जे कैप, इसको आप यहां पर लिख सकते हो. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, तो हो जाएगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा. दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, थीटा हो गया 90 डिग्री, तो एरिया हो जाएगा ए इंटू बी. साइन 90 कितना होता है, 1 होता है. ठीक है, तो यहां से क्या समझ आता है कि एरिया जो होता है, दैट इज स्मॉल एरियाज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनफाइनेटली लार्ज सर्फेसेस, बट स्मॉल सर्फेस जो एरियाज होते हैं, दे आर वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया का डायरेक्शन किस तरफ होगा, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इसका, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई कॉपी है ना, अगर उस कॉपी को आप लोग परपेंडिकुलरली देखते हो, यू विल सी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी. विड्थ और हाइट आपको एग्जैक्ट दिखाई देती, बट इफ यू विल टिल्ट द एरिया, यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लेन. यू कैन नॉट सी द एक्चुअल हाइट, यू कैन नॉट सी द एक्चुअल विड्थ. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू सी द एक्चुअल हाइट एंड विड्थ, यू हैव टू लुक परपेंडिकुलर टू द एरिया, दैट इज नॉर्मली टू द एरिया, देन यू विल बी एबल टू सी द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द डायमेंशन, राइट. दैट्स वाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी.
If you will look in a particular direction, you will see a certain value. If you look from a different direction, you will see a different value. And when we are observing an area from a different direction and we are getting a different area, that area is known as projected area. जो हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है? So area is a vector quantity, right? तो यहाँ पर का जो एरिया है, उसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? Perpendicular to the board. और यहाँ पर का जो एरिया है, उसका भी डायरेक्शन हो जाएगा perpendicular to the board. अब इस प्लेन का आप साइड भी ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरीके का, ठीक है? ये है वो पॉइंट सी. तो प्लेन को ऐसा साइड से मैं देख रहा हूँ तो मुझे एज दिखाई देगा. ये रहा वो एलिमेंटल एरिया, ये रहा वो यहाँ पर वो एलिमेंटल एरिया है, ठीक है? एट अ डिस्टेंस वाई, ठीक है? यहाँ पर भी कोई एलिमेंटल एरिया आप ले सकते हो, सेम क्वांटिटी का डी ए ले सकते हो आप, ठीक है? या डी ए डैश ले सकते हो, ठीक? यहाँ पर भी ले लेते हैं, चलिए इस तरह से, ओके, एट अ डिस्टेंस वाई डैश, वाई डैश, ओके. अब क्या हो रहा है, इस एरिया का जो डायरेक्शन है, दैट इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लाइक दिस, एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इस तरफ का लेते हैं हम लोग, तो ये जाएगा डी ए इंटू वाई, ओके. और इधर का एरिया क्या हो जाएगा, इधर का हो जाएगा डी ए डैश इंटू वाई डैश, राइट? अब ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरियाज हैं, तो यहां लिख लेता हूं मैं ए डी ए एन इंटू वाई एन, अलग अलग एरिया, एलिमेंटल एरियाज का अलग अलग लोकेशन होगा. तो एन नंबर ऑफ एरियाज इस तरफ है और एन आपका जीरो से इनफाइनाइट जा रहा है. तो आप लोग लिख सकते हो जो अल्जेब्रिक सम है, ओके, द टोटल फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, इधर के एरिया का फर्स्ट मोमेंट प्लस इधर के एरिया का फर्स्ट मोमेंट मैं निकालूंगा तो मुझे टोटल जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया वो मिलने वाला है, ओके. तो ये हो जाएगा इसका अल्जेब्रिक सम, कहां से कहां तक, एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू इनफाइनाइट तक, ओके. और ये कैसा है, इसका देखिए, इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया देखिए, ये कैसा है, क्लॉक वाइज है. तो क्लॉक वाइज को मैं पॉजिटिव लूंगा तो ये पूरा हो गया पॉजिटिव. अब देखिए ये जो है इस एरिया का जो फर्स्ट मोमेंट है, दैट इज क्रिएटिंग एन एंटी क्लॉक वाइज सेंस, सो इट विल बी माइनस, ओके. सो समेशन ऑफ डी ए डैश एन वाई डैश एन, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, इधर भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, सो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मैं कह रहा हूं, और एन की जो वैल्यू है वो एक एलिमेंट से लेकर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो व्हेन सी इज द सेंट्रोइड, ओके, व्हेन सी इज द सेंट्रोइड. तो ये आप लोग का कंसेप्ट है सेंट्रोइड का. नाउ सेंट्रोइड को आप ऐसे कहीं पर भी अज्यूम नहीं कर सकते, कहीं लोकेट करना होगा उसको. तो लोकेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेफरेंस एक्सिस का, ठीक है? रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं. तो रेफरेंस एक्सिस के बेस पे अगर आप कहेंगे कि आपके पास ये सी सेंट्रोइड है, ये सी सेंट्रोइड है, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको लोकेट करेंगे किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में. सो ये है आपके रेफरेंस एक्सिस. तो रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो सेंट्रोइड है उसका एक कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है? ये हो गया इसका एक कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बार, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको मैं लिखूंगा वाई बार. तो सी जो है, दैट इज सेंट्रोइड सी, इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स बार एंड वाई बार. तो जो एक्स बार और वाई बार है, इसको अब निकालने का हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि कैसे इसको लोकेट किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट सी है, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे कहीं भी रैंडमली लोकेट नहीं कर सकते. सो वी हैव टू टेक अ प्रॉपर रेफरेंस एक्सिस जिसके बेसिस पे मैं सी को लोकेट करूंगा, ठीक है? मैंने आपको बताया कि सी अगर आपके पास सेंट्रोइड है, तो अगर सी सेंट्रोइड है तो उसके अबाउट आपका जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होगा पूरे गिवन एरिया का, दैट विल बी जीरो, ओके. तो मैंने अल्जेब्रिक सम पर आपको दिखाया कि किस तरह से सेंट्रोइड फाउंड आउट किया जा सकता है. नाउ सेंट्रोइड हम जानते हैं कि एट सेंट्रोइड द इंटायर एरिया इज कंसंट्रेटेड, ओके. तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो पूरा का पूरा एरिया है, दैट इज ए, वो इस पॉइंट सी पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है? अब मैं सिंपल कंसेप्ट लगाऊंगा जिसके बेसिस पे मैं पॉइंट सी को लोकेट कर पाऊंगा. अगर सी को लोकेट करना है तो एक्स बार वाई बार निकालना है, ओके. तो पहले मैं इसको देखता हूं, वाई बार की वैल्यू देखता हूं कि वाई बार की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है? तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ए अगर आपका टोटल एरिया है और सी सेंट्रोइड है, तो पूरा का पूरा एरिया ए सी पे सेंटर्ड है. सो पूरे एरिया का फर्स्ट मोमेंट क्या लिख सकता हूं मैं, अबाउट एक्स एक्सिस. So first moment of area about x axis, first moment of area about x axis, okay? ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a into x bar, a आपका entire area है, sorry, a into y bar हो जाएगा, x axis से जो distance है, that is y bar, sorry I made a mistake. ये हो जाएगा a इंटू वाई बार, ओके, a इंटू वाई बार अबाउट दी एक्स एक्सिस, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया मिल गया. नाउ अब ये जो एरिया है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल एलिमेंटल एरिया से मिलकर के बना हो सकता है, लेट अस से a1, a2, a3, ओके,
A3 ऐसा करके आप लोग इनफाइनाइट एरियाज इसमें ले सकते हो, छोटे छोटे एरिया ले सकते हो, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस A1 जो है, A1 जो है वो स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं X1 Y1। A2 जो है इसका लिख लेता हूँ X2 Y2। A3 का लिख लेते हैं X3 Y3। ऐसे करते करते आप लोग AN का लिख सकते हो, nth नंबर का जो एरिया होगा XN YN, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू X एक्सिस एंड Y एक्सिस, क्लियर। सो अब मैं देख रहा हूं कि भाई पूरा एरिया पॉइंट सी पे सेंटर हो गया और पॉइंट सी का जो डिस्टेंस था एक्स एक्सिस से दैट वाज वाई बार, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने पूरे इंटायर एरिया ए का फर्स्ट मोमेंट निकाल लिया। तो ये बराबर होगा किस वैल्यू के, अगर मैं सब एक छोटे छोटे हर एक छोटे छोटे एरिया का फर्स्ट मोमेंट निकालू अबाउट एक्स एक्सिस और मैं उसको जोड़ दूं, अलजेब्रिक सम कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यही वैल्यू मिल जाएगी बराबर, ठीक है। तो ए वाई बार विल बी इक्वल टू व्हाट, A1 Y1 इस A1 एरिया का फर्स्ट मोमेंट अबाउट द y एक्सिस प्लस A2 एरिया का A2 Y2 इसका फर्स्ट मोमेंट। ऐसे करते करते आप सभी एलिमेंट का अगर फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट x एक्सिस निकालोगे और जोड़ दोगे सभी को आपस में, तो आपको टोटल इस प्लेन का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया मिल जाएगा। सो A3 Y3 एंड प्लस सो ऑन टिल AN YN, तो इसको आप लिख सकते हो y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ AN YN, ओके, वेयर n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। सो इस जगह से अगर आप एक उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको y बार की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज अलजेब्रिक सम और समेशन ऑफ AN YN फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया, ठीक है। तो सपोज आपके पास कोई कंपोजिट शेप है, जैसे कि हम लोग आई सेक्शन टी सेक्शन ओके यू सेक्शन ऐसा देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक आई सेक्शन है ऐसा, ओके आई सेक्शन है, ये एरिया है A1, ये एरिया है A2, ये एरिया है A3, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उस कंडीशन में अगर मुझे किसी रिफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेंट्रोइड का लोकेशन निकालना है तो क्या होगा, वो हो जाएगा आप लोगों का y बार इज इक्वल टू इसका जो सेंट्रोइड होगा c उसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y बार वो कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं a1 y1 प्लस a2 y2 a2 y2 प्लस a3 y3, क्लियर ओके, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 a1 प्लस A2 प्लस A3। नाउ ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकली देख लिया, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं कि एक्चुअली कैसे फाइंड आउट करेंगे अब, है ना, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर जो मैंने एरिया लिए हैं दे आर एलिमेंटल एरिया, ये सारे जो एरिया है ये एलिमेंटल एरिया है, ओके एलिमेंटल एरियाज है, यानी कि बहुत छोटे एरियाज है लाइक अ पॉइंट, ठीक है, मैंने डायग्राम में बड़े बड़े दिखाया लेकिन एलिमेंटल एरियाज है लाइक अ पॉइंट। तो इनका सेंटर और इनका एरिया दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल, सपोज आप एक पॉइंट ले लेते हो या एक बहुत ही छोटा सा कोई एरिया ले लेते हो तो आप फिजिकली आप उसको मैनुअल अपने नेकेड आई से क्या देख पाओगे उसका सेंटर एग्जैक्टली कहां पर है, नो आप बोलोगे भाई यही यहीं पर इसका सेंटर होगा, राइट यही करोगे आप। बट अगर आपके पास एक फाइनाइटली लार्ज एरिया हो, एक फाइनाइट एरिया हो, जैसे कि वहां मैंने आई सेक्शन बनाया, सो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर हम लोग देखते हैं, तो ये जो इसके इंडिविजुअल ज्योमेट्रिक सेंटर्स हैं हर एक प्लेन के, हर एक प्लेन के इंडिविजुअल ज्योमेट्रिक सेंटर हैं, ठीक है। आई से जितने आपके स्टैंडर्ड शेप्स हैं लाइक स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, इसके लिए जो सेंट्रॉइड की लोकेशन होती है उनको इन्हीं कंसेप्ट से फाइंड आउट किया जाता है। मैं एंड में आपको बता दूंगा कि उनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, अभी सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डिस्कशन में बने रहना है इस कंसेप्ट से, रेक्टेंगल जो मैंने ड्रॉ किया है या कोई ट्रायंगल होगा उसका इस कंसेप्ट से वाई कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहां मैंने y कोऑर्डिनेट आपके लिए ड्रॉ किया, तो ये फर्स्ट प्लेन जो एरिया है A1 इसके लिए Y1 हो गया इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस Y1 ओके, इसके से इस सेकंड एरिया A2 का जो डिस्टेंस है दैट इज Y2 और जो थर्ड एरिया इसका जो डिस्टेंस है दैट इज Y3, ठीक है। रेक्टेंगल का हम लोग ज्योमेट्रिक सेंटर बोलते हैं, तो ज्योमेट्रिक सेंटर निकाल सकते हैं डायरेक्टली इसके हाइट को डिवाइडेड बाय 2 करके, ठीक है, उसकी डिस्टेंस यहां से ले लेंगे। सो उसको देखेंगे कि कैसे बनता है। सो Y1 Y2 Y3 क्या है आपका, दिस इज डिस्टेंस ऑफ दी थ्री एरियाज A1 A2 A3, द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ एरिया A1 A2 A3 फ्रॉम द x एक्सिस। नोट डाउन करना है इसको कि y1 y2 y3, और अगर चार एरिया होंगे तो क्या होगा, y1 y2 y3 क्या है,
ये सभी है द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ एरियाज A1, A2, A3 एंड सो ऑन फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे अब वाई बार तो आ चुके हैं, अगर मुझे अब एक्स बार निकालना है तो क्या करूंगा, अगेन मैं सेम लॉजिक यूज करूंगा दैट फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है एक्स बार इज व्हाट, एक्स बार बेसिकली वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में नापा जाता है। अक्सर फर्स्ट सेमेस्टर में जब बच्चे कई बार पढ़ते हैं सेंट्रॉइड के बारे में तो उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वाई बार कैसा होगा और एक्स बार कैसा होगा। तो देखिए इसको सिंपली आप समझ सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है तो, जब आप इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मेजर कर रहे हैं यानी कि आप एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब आप एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो आप किसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं, बेसिकली वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। जब आप को इसका y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। राइट, तो y बार या x बार कैसे निकाला जाएगा, x बार होगा परपेंडिकुलर टू द y डायरेक्शन और y बार होगा परपेंडिकुलर टू द x डायरेक्शन, ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन फिर नहीं होगा, अदरवाइज आप लोग बार बार कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट y एक्सिस निकालते हैं, तो अगर इंटायर एरिया पॉइंट सी पे कंसंट्रेटेड है तो y एक्सिस के अबाउट में फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया लूंगा तो जाएगा a into x बार। ओके, और अगर ये स्मॉल एलिमेंटल एरिया से मिलकर बना है a1 a2 a3 एक्सेट्रा से मिलकर बना हुआ है तो उसको लिखूंगा दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ ऑल एलिमेंटल एरियाज, सो दैट विल बी a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 एंड सो ऑन टिल ए एन एक्स एन। ओके, सो इसको लिख सकता हूं ए एक्स बार इज इक्वल टू द सम ऑफ ए एन एक्स एन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, ये लिख सकता हूं, तो यहां से मैं इसको अब एक्स बार को भी फाइंड आउट कर सकता हूं इस शेप का, ये हो जाएगा द सम ऑफ ए एन एक्स एन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू इंफाइनिट डिवाइडेड बाई द टोटल एरिया। ओके, तो फिर अगर मुझे इस सेंट्रॉइड का, तो यहां से आप देख सकते हो उसी कॉन्सेप्ट को यहां लगाते हैं, अगर मुझे अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है कि अब इस शेप का ये आई सेक्शन का मुझे सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूं, सेम इसी तरीके से लिखूंगा मैं यहां पर, आपके पास क्या हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया दैट विल बी a1 प्लस a2 प्लस a3। ओके, और x1 x2 x3 क्या है, अगेन x1 एंड x2 x3 जो है दे आर द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ a1 एंड a2 एंड a3 फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से मैं x बार और y बार फाइंड आउट कर लेता हूं किसी भी शेप का, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट का, और यहां पर फिर मैं उसके सेंट्रॉइड को दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिलने के बाद लोकेट कर सकता हूं कि इसकी सेंट्रॉइड कहां पर होगी। और जब सेंट्रॉइड लोकेट हो जाता है तो मेरे सेंट्रॉइडल एक्सेस जो है वो भी लोकेट हो जाते हैं। नाउ हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है न्यूट्रल एक्सेस। ओके, हमारे काम का न्यूट्रल एक्सेस है, तो बेंडिंग स्ट्रेस में आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है दैट विल बी द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ओके, न्यूट्रल एक्सिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ओके, तो जैसे आपके पास कोई भी शेप है, ओके, ये उसका सेंट्रॉइड है, ओके, और हमने देखा था जो क्रॉस सेक्शन है हमको कौन से प्लेन में दिख रहा है, हमको वाई और जेड प्लेन में दिख रहा है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा वाई जेड प्लेन में। तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट आपके लग रहे हैं फोर्सेस के बेंडिंग करने के लिए, तो ये हो गया आप लोगों का न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस इज द इंटरसेक्शन, ओके, इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल प्लेन विद द क्रॉस सेक्शन, ये न्यूट्रल एक्सिस होगा एंड दिस विल बी पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। ओके, तो सेंट्रॉइडल एक्सिस जो है दे विल बिकम द न्यूट्रल एक्सिस। ये वाला आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा क्या, नो,
ये वाला न्यूट्रल एक्सिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या ये हो सकता है? यस, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो भी देखते हैं। अगर आपके पास ये बीम है तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपका वाई डायरेक्शन है और ये आपका जेड डायरेक्शन है। आप जो लोड लगा रहे हो, दे आर ट्राइंग टू रोटेट, ट्राइंग टू बेंड द बीम अबाउट जेड एक्सिस। तो जो भी मोमेंट्स लग रहे हैं, जो बेंडिंग हो रही है, दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड अबाउट द जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के पैरेलल ये वाला सेंट्रोइडल एक्सिस है, ना कि ये। दैट्स व्हाई मैं इसको न्यूट्रल एक्सिस ले रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग मोमेंट अप्लाई कर दो अबाउट द वाई एक्सिस, यानी कि बीम को बेंड करने की कोशिश करो अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट बीम को बेंड करने की कोशिश करो। कैसे किया जा सकता है? जैसे कि सपोज ये आपका कैंटिलीवर बीम है, तो इसमें आप जैसे बोर्ड के परपेंडिकुलर, ऐसा क्रॉस लिखता हूं, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आप लोड लगा दो, ठीक है। इसको आप क्रॉस और डॉट जो रिप्रेजेंटेशन होता है, आपने 12th में पढ़ा होगा, जब आप लोग इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट पढ़े होंगे अपने पीटी पीएमटी AIEEE एक्सेट्रा के लिए, जब पढ़े होंगे JEE एग्जाम के लिए पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा, है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि तीर आपकी तरफ आ रहा होगा, तो आपको तीर की पॉइंट दिखाई देगी, उसका टिप दिखाई देगा। सो इसका मतलब होता है सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और जब तीर आपसे दूर जा रहा होगा तो आपको तीर का जो टेल होता है वो दिखाई देगा। सो दिस इज टूवर्ड्स दिस सर्फेस, सर्फेस में अंदर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब होता है। तो ये जो लोड लग रहा होगा, ये इस बीम को वाई डायरेक्शन के अबाउट बैंड करने की कोशिश करेगा, ओके? तो इस कंडीशन में जब मैं न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करूंगा, तो उस कंडीशन में क्योंकि बैंडिंग आपकी वाई डायरेक्शन के अबाउट हो रही है, दैट्स वाई दिस सेंट्रोइडल एक्सिस विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए बताया था न्यूट्रल एक्सिस का, इस तरह से मैंने इसलिए बताया था ताकि हमेशा आपको एक गुड आइडिया रहे कि कब और कौन से एक्सिस को आप लोग न्यूट्रल एक्सिस लोगे। न्यूट्रल एक्सिस का ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, ये आपको और भी ज्यादा हेल्प करेगा जब आप अनसिमेट्रिकल बेंडिंग पढ़ेंगे, ओके? तो इस वे में इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लोग आगे जब अनसिमेट्रिकल बेंडिंग डिस्कस करो तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए, ठीक है। सो यहां पर न्यूट्रल एक्सिस क्यों लिया गया है इस केस में? क्योंकि इस केस में जो लोडिंग हो रही है, जो बेंडिंग हो रही है, दैट इज अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, दैट विल बी टेकन एज द सेंट्रोइडल एक्सिस, ओके? तो और अभी फिलहाल के केस में वाई एक्सिस के अबाउट मैंने बेंडिंग की बात नहीं की, दैट्स व्हाई ये आपका न्यूट्रल एक्सिस नहीं होगा, ओके? सो दिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस, और हमेशा याद रखना सेंट्रोइडल एक्सिस ही आपका न्यूट्रल एक्सिस होता है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिए जाएंगे वो इसके अबाउट ही लिए जाएंगे, ठीक है। नाउ जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे वो सिर्फ किसके अबाउट लेंगे, बताया था मैंने, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लेंगे हम लोग। सो INA की ही हमको नीड होगी, क्योंकि जो बेंडिंग हो रही है वो सिर्फ NA, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हो रही है। दैट्स हम लोगों को ये जो परपेंडिकुलर जो दूसरा एक्सिस होगा, डेफिनेटली एक्सिस होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नीड नहीं होगी, इसकी कोई नीड नहीं होगी हम लोगों को, ओके? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रोइड। आप कैसे सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बताऊंगा सेंट्रोइड वगैरह की, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कि क्या क्या वैल्यूज होती हैं। वैसे आप कोई भी स्टैंडर्ड अगर टेक्स्ट बुक उठाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की हो, जिसमें भी आपको सेंट्रोइड वाला पार्ट दिया हुआ है, जैसे कि आप RK राजपूत पढ़ सकते हो, आप RK बंसल पढ़ सकते हो, ठीक है, आप RS खुरमे की बुक पढ़ सकते हो जो इंडियन ऑथर है, उसमें SS रतन की बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, AK तयाल की बुक आती है ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, SS भाविकट्टी की बुक आती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, उसमें आप पढ़ सकते हो, उसमें आपको सेंट्रोइड डिफरेंट शेप्स के जो सेंट्रोइड्स होती हैं उनकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ कुछ स्टैंडर्ड्स की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, जैसे कि आपका रेक्टेंगल है, ओके, दिस इज बी, दैट इज द वेथ, एच इज द हाइट, ओके, और ये रेफरेंस मैंने कहाँ रखा है, देखो रेफरेंस हमेशा ऐसा रखा जाएगा, ठीक है, इसके एजेस से सटा करके रखा जाएगा ताकि थोड़ा आसान हो हम लोगों के लिए लोकेट करना, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, इसको इसके एज को ओरिजिन पे सेट किया है, लाइक दिस 0 0 पे सेट कर दिया इस रेक्टेंगल को। नाउ जो इसका सेंट्रॉइड होगा कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, इसके दोनों डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी दी सेंट्रॉइड, ठीक है। स्कूल लेवल में चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, ये सेंट्रॉइड होगा, और इसको हम लोग जो मैंने फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया का कंसेप्ट बताया है उससे भी आप निकाल सकते हो, ओके। ये जो वैल्यू आएगी That will be y bar क्या होगा, हमेशा x direction के perpendicular, ये जो उसका दूसरा coordinate होगा that will be x coordinate, so this is c, okay, so c के coordinate क्या होते हैं, x bar y bar होते हैं। rectangle के लिए देख रहे हैं हम लोग, पहला केस देख रहे हैं, यहाँ पर x bar क्या हो जाएगा, x bar हो जाएगा, अगर इस तरीके का है x bar हो जाएगा b by 2, y bar हो जाएगा h by 2, ठीक है। देन
सर्कल के लिए तो बहुत आसान है, ठीक है। सर्कल के लिए क्या है, ये है आपका रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज द सेंटर। तो ये डिस्टेंस जो होगी, दिस डिस्टेंस इज एक्स बार, दिस डिस्टेंस इज वाई बार। और साफ साफ क्लियर है कि एक्स बार क्या हो रहा है यहां पर, एक्स बार विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल आर, एंड वाई बार विल ऑल्सो बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल आर। ट्राइंगल को देखते हैं, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए क्या करते हैं, जो इसका इसके वर्टेक्स है, वर्टेक्स से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। इस एज के अपोजिट साइड ये है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। तो इस तरह से हमें इसका सेंट्रॉइड मिलेगा सी। ओके, नाउ इफ बी इज दी बेस, ओके, एंड एच इज दी हाइट, ओके। इस तरह के ट्राइंगल्स हम लोग को ज्यादातर देखने को मिलेंगे हमारे इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में, राइट एंगल ट्राइंगल ज्यादातर देखने को मिलेंगे हम लोगों को। दिस इज बी बेस, दिस इज हाइट एच, ओके। तो यहां पर मैं रेफरेंस एक्सिस देता हूँ, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो यहां पर कहीं पर सेंट्रॉइड होगा, ओके। सो दिस विल बी एक्स बार, दिस विल बी वाई बार, एक्स बार विल बी इक्वल टू बी बाई थ्री, वाई बार विल बी इक्वल टू एच बाई थ्री, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड फॉर द ट्रायंगल, ओके। तो इस तरह से आपको और भी वैल्यूज मिल जाएगी अगर आप अपने टेक्स्ट बुक्स को रिफर करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रॉइड, ओके। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन हम लोगों को देखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो आप लोगों को आई थिंक जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया वो डेफिनेटली समझ आया होगा कि एरिया इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस एक्सिस विल गिव यू द फर्स्ट मोमेंट ऑफ दैट एरिया अबाउट दैट एक्सिस, क्लियर। सिमिलरली एक बार आपने मोमेंट ले लिया उस एरिया का अबाउट दैट एक्सिस, अगेन आप सेकेंड टाइम फिर से एरिया ले लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया मिल जाएगा, क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि आपके पास एक रेफरेंस प्लेन है, ओके, रेफरेंस प्लेन है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, क्लियर। नाउ दिस इज एन एरिया, ओके, दिस इज एन एरिया, और इसके रिस्पेक्ट में आप देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में आप देखते हैं कि ये आप लोगों का सेंट्रॉइड है सी, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बार, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट पाई बार, ठीक है, ये सेंट्रॉइड है। तो यहां पर आप लोगों को सेंट्रोइडल एक्सिस मिल जाएगा, ओके, यहां पर आप लोगों को सेंट्रोइडल एक्सिस मिल सकता है, दिस इज पॉइंट सी। तो यहां से सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैंने लाइक दिस, ओके, दिस वाज एक्स बार एंड दिस वाज वाई बार, दैट वाज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ओके। नाउ यहां पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया पैरेलल टू दी सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, दिस इज द सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस एंड दिस इज द सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, ओके, दिस इज सेंट्रोइडल एक्स एंड सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। सो अगर एक्स, ये जो एक्स है, दिस इज द सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन किया जाता है, दैट इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ, दिस इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। सो ये एलिमेंट लेट अस से डी ए है और इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वाई, एंड वाई इज व्हाट द सेंट्रोइडल डिस्टेंस, ओके। यहां से एक्स एक्सिस के से जो इसका सेंट्रोइड होगा इस एलिमेंट एरिया का, उसकी डिस्टेंस है वाई। आई थिंक अब आप लोग सेंट्रोइड अच्छे से समझ सकते हो। तो जो एलिमेंट होगा इसका कोई सेंट्रोइड होगा और सेंट्रोइड की डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, ओके, वाई। सो द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एलिमेंटल एरिया, ओके, एलिमेंटल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस लिखते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर इंटू डी ए। फर्स्ट मोमेंट लिखते हैं जैसे कि तो होता है वो डी डी ए इंटू वाई,
ओके, सेकंड टाइम कर दोगे अगेन तो डी ए इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो मैंने ऐसे लिखा है, तो बताया आपको मैंने सेकंड मोमेंट क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट आप लोग जानते हैं। अगर तो आप फिर से एक बार किसी एक्सिस पर दोबारा मोमेंट ले लीजिए, तो वहां पर आप लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस का दो बार मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, तो यू विल बी गेटिंग द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो ये मिल गया, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड मोमेंट ऑफ दिस एलिमेंटल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो आपका वाई एक्सिस है, ओके वाई एक्सिस है, उससे इसका जो इस एलिमेंटल एरिया का जो सेंट्रॉइड है उसका डिस्टेंस है एक्स। ओके, ये जो एलिमेंटल एरिया है इसका सेंट्रॉइड होगा, उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे राइट, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इस एलिमेंटल एरिया का जो सेंट्रॉइड है लेट अस से सी वन डैश या सी डैश, ओके उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो वाई एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंटल एरिया का सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया लेते हैं। तो सेकेंड मोमेंट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस। ओके, दो एक्सिस है यहां पर, तो मैं सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस लिखता हूं, यहां भी लिख लेते हैं, ये जो एक्स एक्सिस को लिया हूं दिस इज सेंट्रॉइडल। ओके, सेंट्रॉइडल, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। क्लियर। नाउ अगर मुझे पूरे एरिया का अगर मुझे सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया चाहिए अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, तो क्या मिल जाएगा, जो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस वाज वाई स्क्वायर इनटू डीए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एलिमेंट अबाउट वाई एक्सिस व्हाट, एक्स स्क्वायर इनटू डीए। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज सेकेंड मोमेंट ऑफ द एरिया, टोटल एरिया की बात करें तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा आई एक्स एक्स। ओके, दिस इज द सेंट्रॉइडल एक्सिस। ओके, दिस इज द सेंट्रॉइडल एक्सिस अबाउट सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, एलिमेंट के लिए निकालना है, पूरे के लिए निकालना है, मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इनटू dA। सिमिलरली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल y एक्सिस विल बी आई वाई वाई। ओके, फिर अगेन एलिमेंट के लिए हमारे पास है, टोटल के निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू डीए। ओके, तो वाई एक्सिस के अबाउट इस एरिया का सेकेंड मोमेंट निकालना है ना, तो आप इसको समझिए कैसे निकलता है ये, मैंने आपको बताया आपको एरिया का दो बार मोमेंट लेना है, तो ये रहा आपका वाई एक्सिस, आपको वाई एक्सिस के अबाउट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है। एरिया का डायरेक्शन बता चुका हूं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, तो ये रहा एरिया का डायरेक्शन। ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया एंड दिस इज द डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस, तो हो जाएगा डी ए इनटू एक्स, ये हो गया फर्स्ट मोमेंट। सेकंड मोमेंट एक्स से अगेन मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डी ए। ठीक है, ये मुझे मिल गया एरिया का सेकंड मोमेंट इस एलिमेंटल एरिया का, पूरे के लिए मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डी ए। सिमिलरली ये रहा आपका एरिया का डायरेक्शन, ये रहा आप लोगों का सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा, डी ए इनटू वाई, सेकंड मोमेंट क्या हो जाएगा, डी ए इनटू वाई इनटू वाई, दैट इज वाई स्क्वायर डी ए, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे मिल गया x एक्सिस दैट इज सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। सो दिस वाज अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग तब देख पाएंगे, तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा जब आप लोग बेंडिंग को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो जब मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ बेंडिंग पढ़ा लूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग किस तरह से फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं, फिजिकल उसको सिग्निफाई करते हैं। एज सच मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया का कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ओके, इट इज डिफाइंड ओनली बाई दिस इक्वेशन, ये जो रिलेशनशिप मैंने आपसे व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं यही इसका डेफिनेशन है, क्योंकि ये प्योरली मैथमेटिकल टर्म है, आप कहीं भी इसको गूगल कर सकते हो, आपको कभी भी डायरेक्टली इसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा। इफ यू विल गेट अ समथिंग थ्योरेटिकल नॉलेज दैट विल बी द फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, फिजिकली ये क्या डिपिक्ट करता है, वो हम तब अच्छे से समझ पाएंगे जब हम लोग बेंडिंग को और अच्छे से जानेंगे। ओके, सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइडल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। ओके, अब हम देखते हैं बेंडिंग इक्वेशन,